चले, अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। हमें यहाँ पर टोटल 176 ओम के रेजिस्टर दिए हैं जिनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, जिसकी वजह से करंट मिलना चाहिए 5 एम्पियर एंड वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट। चले, तो सबसे पहले हम है ना इधर डिस्कस कर लेते हैं कि भैया सर्किट में अगर अपन 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और उसकी वजह से 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो एक्चुअल रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा? तो फ्रॉम ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, 220/5। बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही धांसू ट्रिक है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 440/10। 0 0 कैंसल, तो रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा 44 ओम। क्या हो जाएगा? 44 ओम। ठीक है, अब अगर हम पैरेलल कनेक्शन में है और हमारे पास सारे जो रेजिस्टर हैं वो इक्वल वैल्यू के हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा RP इज इक्वल टू R/N। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? RP इज इक्वल टू R/N। R हमें दिया गया है 176 ओम। ओके, N इज इक्वल टू R/RP। यहाँ पर R 176, RP जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज 44। चलिए, तो 176 डिवाइडेड बाय 44, तो हमारा आंसर होगा बच्चों n इज इक्वल टू 4। यानी कि हमें चार 176 ओम के रेजिस्टर को पैरेलल में करना पड़ेगा, तो इस वजह से मुझे 220 वोल्ट सप्लाई से 5 एम्पियर का करंट मिलेगा।